बिल्कुल छोटा सा खंड गीत है और आपने एक दास की बात की है कबीर दास जी की, तो एक दास की बात मैं कर रही हूँ। चलिए, धुन भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। ना कस में है ना रस में है, आशीर्वाद बिना कहे मिलेगा। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बिल्कुल ऐसी ही कोई बात आ जाए। आप एक दास कबीर दास जी की बात कर रही हैं, मैं एक दास यानी सूरदास जी की बात कर रही हूँ। सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, पहले नेत्र थे, लेकिन बाद में जब नेत्र नहीं रहे, वो भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, रातों दिन उनको ध्यान करते हैं। एक दिन सूरदास जी जा रहे थे, पैर फिसला और वो एक कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिर गए तो भगवान कन्हैया को आवाज लगाने लगे। कन्हैया को आवाज लगाई तो एक छोटा सा बालक, बिल्कुल नन्हा मुन्ना, घुटने घुटने चल कर आया और उस बच्चे ने अपनी एक उंगली कुएं में लटकाई और सूरदास जी से कहा इसको पकड़ो, और जैसे उन्होंने पकड़ा तो उनको बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अब जब सूरदास जी ने उन छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों को स्पर्श किया और हाथों को छुआ, तो बस सूरदास जी कहने लगे कि लगता है मुझे, क्या लगता है, क्या क्या लगता है, के छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो। सूरदास जी ने और सूरदास जी कहने लगे क्या, छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो, और मोर मुकुट सोहे सर पर, और हंसता मुरली वाला हो। क्या
रास्ता मुरली वाला हो तो कहा क्या के अपनी काव्य की रचना में बस अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। और आज आपको छू कर लग रहा है कि हे बिहारी हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। रचना में सब ऐसा ही लिखा और जैसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो कैसे बिन देखे ही बसे नैनों में तो ऐसा मैंने सोचा था। तो हे बिहारी हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो का दिया गया है जो भी अच्छा प्रयास हो सकता है आपने किया है। क्या बात तो खोखा की आत्मा जानती होगी खोखा चुचू नहीं बढ़िया आपने प्रयास किया है हमारे गीत का। बहुत बढ़िया आपने बताया ना जड़ है ना कोई है देखो ये जरिया तो सत्य जो देखा है दे दूं खबरिया समय पे किसी का एतबार नहीं है हा अर्जुन वाह बहुत सुंदर। ठीक है बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। बहुत बढ़िया कुछ नहीं कहना है कुछ ना। नहीं आइए अब चल रहे हैं कहां बेटे एक बड़ा सुंदर टुकड़ा आपने गाया है और क्या पुराना गीत दिया है और गाया गया कि नारस में है ना
पास में है। साईं मंदिर के पुजारी जी, क्या बात, क्या बात। और आपकी तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्यारा मुद्राओं का आया है, क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद मेरी ओर से, धन्यवाद। सुने बारे में, और भाई साहब कह रहे थे कि क्या हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, आप केवल सूरदास जी का असली नाम ही बता दो। मजाक राहुल भैया से कर रहे हैं। कह रहे थे सूरदास जी का असली नाम ही बता दो। और क्या, बताइए अगर सूरदास जी का असली नाम बता दिया तो क्या करोगे? कानपुर तक पैदल जाएगा फिर। नहीं आपने कहा क्या? जो ही कन्हैया को स्पर्श किया उन्होंने सारी आकृति अपने मन में उतार ली, और वो यही कह रहे हैं कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। अब एक दास के बारे में आपने बता दिया, बहन जी एक दास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, सुने आप। सुने कोई नहीं वो है बाबा तुलसीदास जी, समझो। और जिस समय वो दर्शन करने के लिए चित्रकूट पहुंच गए, प्रार्थना की कि मुझे भगवान के दर्शन कराइए। भगवान के दर्शन तो कराए लेकिन सूरदास जी उनको पहचान ही नहीं पाए कि यही भगवान है, यही भगवान है। और जब बताया कि आप पहचान ही नहीं पाए, हम आपको इशारा भी देते रहे, दोबारा फिर सूरदास जी क्षमा करेगा भगवान, तुलसीदास जी प्रार्थना करने लगे कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे
मुझे वो राम के दर्शन करना है जिसमें पूरा राम का दरबार दिखाई पड़ता है। और जब कहा कि जाओ फिर वही तुमको वही राम के दर्शन हो जाएंगे। आए और जैसे ही आए तो भगवान उनको रथ पर सवार होकर के एक झलक दिखाई उनको। और जब दिखाई तो तुलसीदास बाबा कहने लगे, क्या बोले, प्रभु हित करो दिए। साथ में लखन लाल है, माता जानकी भी है। तो तुलसीदास बाबा ने कहा, क्या ए प्रभु हित कर लो अति सुख कर लो, तुम ही तो जगदा धारी हो। और सीता और लखन संग मैंने सोचा था। जैसा आपने रथ पर सवार होकर मुझे दर्शन दिए हैं, देखा कभी नहीं था। तो बोले, अरे अपनी भक्ति धारा में बस ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे और दिया है आपने। और क्या, गीत आया है कैसे, अरे पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है। क्या बात है बेटे, वाह।
सकती है। लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ, लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ, तुम्हें मैं आजमाओ मुझे तुम आजमाओ। क्यों चले आए और अगर अभिवादन करना हो तो राम राम कहते। करे अगर घृणा किसी से तो अरे राम राम कहते। अरे राम अरे राम अरे राम राम अरे राम। फिर कोई शर्म या लज्जा खाए उसमें भी अरे राम कहते। और जब सत्य है राम, जब अर्थी उठाने में लोग कांधा लगाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, बदल जाते हैं अर्थ शब्द को दोहराने में। बढ़िया बात दी है आपने। आइए प्रयास है मेरी ओर से। कैसे सुने आप? सुनिए सुनिए। अब देखिए एक शब्द मैं भी ला रही हूं और वो है क्या? क्या कि मनाना हो तो भगवान कहां हो आप? जय हो बागेश्वर राम। कुछ बातें और ऐसी हैं जो अनायास ही मुख से निकल जाती हैं, जैसे जैसे मनाना हो तो सब हे माही कहते हैं। अगर प्रार्थना कर रहे हो लोग कहते हैं हे माँ, हे माता रानी, लेकिन सुने सुने मनाना हो तो सब है
माही कहते हैं। अब बहन जी शब्द बच्चे भी सबसे पहले माही कहते हैं। क्या बात बेटे, क्या बात। बच्चा भी पहला शब्द माही बोलना सीखता है। क्या बात है, उसके मुख से भी केवल माही निकलता है सबसे पहले। बिल्कुल, तो शब्द बच्चे भी सबसे पहले माही कहते हैं। और अगर अगर नारी शर्माए भैया, अगर नारी शर्माए तो मुंह से, अगर नारी शर्माए मुंह से हाय माँ ही आए। अगर शर्म आ रही तो हाय माँ, हाय माँ। अरे अगर नारी शर्माए मुंह से हाय माँ ही आए, अगर गलती हो जाए, अगर गलती हो जाए, अरे माँ मुख में आए। तो जब ऐसा आता है तो कहना क्या, जग तरसता है। जगत चलाने को क्या बात बेटी, अरे माँ की शक्ति ही जरूरी है जगत चलाने को। माँ की शक्ति ही जरूरी है जगत चलाने को। माँ की शक्ति ही जरूरी है जगत चलाने को। जग तरसता है माता की ममता पाने को, और माँ की शक्ति जरूरी है जगत चलाने को। क्या बात बेटे, क्या बात। आइए कुछ बातें और अनायास निकलती हैं, जैसे जैसे माँ की कसम जगत में, बिल्कुल सत्य कहा मैंने। और तो माँ का, अरे माँ का दूध पिया है, अरे माँ का दूध पिया है ये कहकर धमकाते हैं। आओ सामने अगर माँ का दूध पिया हो तो। आओ 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 आओ। ये अनायास बातें निकलती हैं मुंह से, सुने आप सुने। तो माँ का दूध पिया है कह कर के धमकाते हैं। और करे जो माँ की भक्ति मिलती है माँ से शक्ति, करे जो माँ की भक्ति मिलती है माँ से शक्ति, माँ की सेवा जो करता, माँ की सेवा जो कर ले वो पा जाता है मुक्ति। क्योंकि माता पिता के चरणों में चारों धाम पाए जाते हैं। तो कहना क्या, किशन सब जाते सब जाते माता के दर्शन पाने को, दर्शन सब जाते माता के दर्शन पाने को। तो माँ की शक्ति जरूरी है जगत चलाने को।
दरबार की जय। जय। आइए फिर एक गीत मैं अपनी ओर से दे रही हूं। हाँ। जय हो बागेश्वर धाम। एक पुराना गीत आपने गाया है, एक गीत